बच्चों की कम संख्या के कारण नूरपुर शिक्षा खंड के तहत प्राइमरी स्कूल पंथरेड, जिसे 10 वर्ष पहले बंद कर दिया था। स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने स्कूल को दोबारा खोलने के लिए प्रदेश सरकार से मामला उठाया तथा सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गत अप्रैल माह से स्कूल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। तहसीलदार नूरपुर ने स्कूल को गोद लिया है। पंथरेड़ स्कूल के बच्चे अब LCD से पढ़ाई करना और कंपटीशन के गुर सीखेंगे। 5 लोगों ने ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने का जिम्मा लिया है। बच्चों की कम संख्या के कारण नूरपुर शिक्षा खंड के तहत प्राइमरी स्कूल पंथरेड़, जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने इस स्कूल को दोबारा खोलने के लिए प्रदेश सरकार से मामला उठाया तथा सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गत अप्रैल माह से इस स्कूल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। स्कूल में बनाए जा रहे स्मार्ट क्लासरूम, जिसके तहत LCD लगाई जाएगी, इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों को आधुनिक तकनीक से पढ़ाई करने के गुर सिखाने सहित सैनिक स्कूल तथा नवोदय स्कूल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए हर माह प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में जोड़ने के लिए भी खेलों का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में इस स्कूल में एक अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा स्कूल के 3 कमरों में टाइल्स व नए डेस्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन व निजी स्कूल प्रबंधकों ने भी हर संभव सहयोग व परामर्श का भरोसा दिया है। इसके अतिरिक्त बच्चों को पढ़ाई के आधुनिक व बेहतर तरीकों से वाकिफ करवाने के लिए क्षेत्र के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों में भ्रमण करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। निजी स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए अपने अपने स्कूल के अंग्रेजी तथा गणित के टीचर को हर माह 1 या 2 बार भेजने हेतु भी सहमति दी है। तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली है। तहसीलदार गणेश ठाकुर चंबा जिला की पिछड़ी पंचायत पंजही से ताल्लुक रखते हैं। उनका पालन पोषण भी एक गरीब परिवार में हुआ है। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने गरीबी को करीब से देखा है। उनका मानना है कि आर्थिक तंगहाली व सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को निखरने का सही मौका नहीं मिल पाता। उनकी शिक्षा भी जवाहर नवोदय स्कूल से हुई है। वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा खेल गतिविधियों में भाग लेकर अपना नया मुकाम हासिल करें। सरकारी सेवा के दौरान दूसरी जगह नियुक्ति होने पर भी वे इस स्कूल के लिए अपना सहयोग जारी रखेंगे। हाल में एक अखबार में न्यूज पढ़ी कि पिछले 10 वर्षों से एक स्कूल बंद था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंथरेड़, जो कि बच्चों की कमी होने के कारण, स्ट्रेंथ कम होने के कारण बंद किया गया था 2009 में। और हाल ही में जब 2019 अप्रैल में उसको खोला गया, तो वहाँ के लोकल प्रधान ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर इस स्कूल में एडमिशन दिलवाई, ताकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े और लोगों को मोटिवेशन मिले। जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस स्कूल को गोद लिया जाए, इसका ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए, और कुछ यहाँ के लोकल्स जो हैं, जो NGOs हैं, उनसे मिलकर हमने एक विधिवत प्लानिंग करी। हमने इससे पहले कुछ बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स जो यहाँ के नूरपुर के हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो पठानकोट में हैं, उनको विजिट किया, और उसके बाद वहाँ किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है, और कुछ सरकारी स्कूल जो मॉडल स्कूल्स हैं वहाँ भी विजिट किया। और हमारे साथ इसमें गुलाब जी यहाँ के एक स्वयंसेवी हैं, वो जुड़े हुए हैं, एक अमित राणा जी हैं जो स्पोर्ट्स में एक नूरपुर में बहुत बड़ा नाम है, जो काफ़ी बच्चों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचा चुके हैं। इन सभी लोगों को लेकर हमने स्कूल में एक मीटिंग रखी बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ, और एक रूपरेखा बनाई कि किस तरह से यहाँ के बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाए। जिस तरह की मैं भी एक जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा से पढ़ा हूँ, तो मुझे अहमियत पता है कि स्कूल इस स्कूल की क्या अहमियत है। तो मैंने चाहा कि वहाँ के बच्चों को सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल की बच्चों की पढ़ाई की जाए, और उसके लिए हम किताबें बच्चों को फ्री मुहैया करवा रहे हैं। वहाँ पर एक LED का प्रबंध किया जा गया है जो कि आ चुकी है अभी स्कूल में, और वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी एक प्राइमरी स्कूल में लगाई जा रही हैं, ताकि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दी जा सके। स्पोर्ट्स के लिहाज से हम बच्चों को हफ्ते में एक बार अमित जी और वहाँ के एक लोकल ट्रेनर हैं, उनको स्कूल से एंगेज किया है, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी, जो बच्चा स्पोर्ट्स में आगे है वो आगे जा सके। इसके अलावा हमने
एक प्राइवेट टीचर भी इंगेज किया है जो स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों को स्पेशली नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करवा सके। उनकी ट्यूशन फीस हम ही वहन करेंगे। हमने पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करी है कि वो स्कूल के बाद अपने अपने बच्चों को एक पढ़ाई के लिए माहौल बनाए घर में, उनको पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करें। और इसके अलावा जितने भी लोग नूरपुर के लोग हैं, अगर कोई हमें सुझाव देना चाहे, कोई सहयोग करना चाहे इस अभियान में, ताकि एक पिछड़ी पंचायत जो है नूरपुर की पंद्रहेड़, वहाँ के बच्चों को सरकारी स्कूल में भी वो सुविधाएँ दी जा सकें, वो भी उस मुकाम पर पहुँचें जहाँ पे हर बच्चा पहुँचना चाहिए। यही हमारी मुहिम है और यही हमारा प्रयास है।